हरियाणा पंचायती चुनाव के दूसरे चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद देर शाम पंच सरपंचों के परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसके बाद सोमवार को विजेता पंच सरपंचों ने अपने गांव में धन्यवादी दौरा कर भारी मतों से जिताने पर जनता का आभार व्यक्त किया। विजयी होने के बाद निर्वाचित सरपंचों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेवाड़ी के सरपंचों ने अपने अपने गांव में ढोल नगाड़े के साथ डोर टू डोर जाकर जनता का आभार जताया। साथ ही इस बीच नवनिर्वाचित सरपंचों ने चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। जनता से गांव के जितने भी समस्त ग्रामीणवासी है, वोटर है, वोटर सब से धन्यवाद करूंगा। सभी ने मेरी वोट दी, हम एक मत होकर वोट डालने गए, सभी सभी का धन्यवाद करूंगा। मेरी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, हम मिलजुल कर काम करेंगे। जहाँ भी गांव में कोई गली हो, कोई सीवर पानी, जो भी समस्या होगी, मिलकर बैठ के गाँव में कमेटियाँ बनाएंगे, गली साथ फिर काम करेंगे। 490 वोटों से जीता हूँ, बाकी जो खड़े थे साहब हार गए। मैं गांव वालों ने जितना प्यार सहयोग दिया है, मैं उससे गदगद हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां विज अपने दांतों का इलाज करवाया और इस मौके पर उन्होंने नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों की जमकर तारीफ की। कहा कि नागरिक अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों की टीम के साथ साथ सभी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए मैं भी अपना इलाज यहीं करवाता हूं। इसके साथ ही उनका लोगों को भी संदेश जाता है कि लोग भी नागरिक अस्पताल की सुविधा का लाभ उठाएं। सरकारी अस्पताल बहुत बेहतर अस्पताल है, सारी सुविधाएं हमने यहाँ पे मुहैया कराई है और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग सभी आए यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं तो अपना दांत ठीक कराने आया हूँ। सोमवार को झज्जर में जिला भर की आंगनबाड़ी वर्करों ने एकत्रित होकर यहां धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सीएम के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार पर उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। आंगनबाड़ी वर्करों के इस धरने का नेतृत्व कर रही सीटू की जिला प्रधान बालेश जाखड़ ने बताया कि पहले सरकार द्वारा उन पर ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया, उन्होंने जैसे तैसे सीख कर ऑनलाइन काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन अब सरकार की तरफ से लोकेशन भेजने का एक और काम बढ़ा दिया गया है। वो ऑनलाइन काम करने को तैयार है, लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि उन्हें मानसिक तौर पर परेशान ना करें। हमारी मांगे और जो भी मतलब सिस्टम है वो वही पुराना का पुराना ही चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी मतलब अलग से ना हमारी कोई मांगे हैं। हाँ, हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो जरूर जोड़ दिया गया है कि ये जो ऑनलाइन जो वर्क था, हम कुछ हद तक वर्कर्स करने भी लगी थी, समझने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लाइव लोकेशन का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, वो भी हमारे ही फोन से, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट हमारे खिलाफ, जो गवर्नमेंट है या अधिकारी का ये जो भी लगा लीजिए आप उसको, वो हमारे ऊपर जो प्रेशर है उसको वर्कर्स नहीं झेल सकती। हमें संसाधन दे दिए जाएं, हम काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, हमें संसाधन दे दिए जाएं, फोन की हमें पेमेंट कर दी जाए, फोन दे दिए जाएं, उसके बाद हम काम करने को तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने रेवाड़ी बीकेयू इकाई के पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी रेवाड़ी संगठन को आगे की रणनीति बनाने के बारे में चर्चा की। बैठक के बारे में बताते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से लिखित में हुए समझौते के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इसके विरोध में सर छोटू राम की जयंती पर 24 नवंबर को अंबाला स्थित मोहड़ा की अनाज मंडी में किसानों का बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा होकर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा बनेगा। अलवर में प्रोग्राम था, लेकिन जाते वक्त हमारे यहाँ के वर्कर हैं, उनसे एक मीटिंग कर रहा हूँ जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, और मुख्य जो मुद्दा है वो 24 तारीख को जो अंबाड़ा में मोड़ा मंडी में जो एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन के 2 साल पूरे हो रहे हैं 24 तारीख को, और सर छोटू राम जयंती है 24 नवम्बर को, तो ये दोनों दिन हैं जो हम उनको मनाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें जो एजेंडे हैं वो जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे आंदोलन समाप्ति के टाइम, वो पूरे नहीं किए हैं, और जो मुकदमे वापसी की बात थी, जो रेलवे के मुकदमे हैं, वो 12 मुकदमे हरियाणा के पेंडिंग हैं और 2 मुकदमे हरियाणा सरकार के पेंडिंग और 30 मुकदमे जो है वो पिछले आंदोलनों के पेंडिंग हैं। झज्जर के गांव में दिन दहाड़े आधा दर्जन बदमाशों ने एक नाबालिग के अपहरण का असफल प्रयास किया, लेकिन नाबालिग द्वारा शोर मचा दिए जाने पर ग्रामीणों के मौके पर आ जाने की वजह से बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके और खुद को घिरा देखकर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। आरोपियों में गांव के ही 3 युवक भी शामिल हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें भी गठित की हैं। दावा किया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ये एक माइनर लड़की है जो झज्जर ज़िले की निवासी है, उसने उनके परिवार वालों ने आके दरख्वास्त दी कि 2.5 महीने पहले एक गांव उसके गांव के ही लड़के ने रेप करा था और आज कुछ जो बदमाश टाइप के लड़के थे जो उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे और जो फिर शोर मच गया, जो गांव वालों ने शोर मचा दिया तो भाग गए। हमने उसके ऊपर अभियोग अंकित कर लिया है और टीमें हमने तैयार कर दिया है, लड़कों को जल्द से जल्द हम अरेस्ट कर लेंगे और जो लड़की है, जो पीड़ित लड़की है, उसका हम मेडिकल कराने के लिए भेज दिए। उन्होंने 3 लड़के तो नामजद करे, 2 के वो नाम जानते नहीं, टोटल 5 लड़के हैं और एक लड़का जो पूर्व में जिसने उसके साथ रेप करा था उसका नाम है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।